हेलो दोस्तों, आराध्या की रसोई में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम फिर आपके सामने एक नई डिश लेकर आए हैं जिसका नाम है बथुआ और आलू के मिक्स गरम गरम पराठे। वैसे तो हमने आपको पहले भी बथुआ की एक पराठों की रेसिपी बताई थी, वो थोड़ी अलग थी और ये थोड़ी अलग है। वो वाली हमने जिस तरीके से बताई आप देख सकते हैं, और जो हम आपको रेसिपी बता रहे हैं ये थोड़ी अलग है। इसमें हमने बथुए को अच्छे से छान के साफ़ कर लिया, फिर साफ़ पानी से खूब अच्छे से धो के इसे कुकर में एक सीटी लगवा ली। एक सीटी लगाने के बाद जब ये गल गया इसे एक छन्नी में या टोकरी में इसे निकाल लिया सारा पानी। उसके बाद इसको अच्छे से इसका पानी निचोड़ के इसे एक घंटे दो घंटे के लिए छोड़ दिया। उसके बाद जब ये इसका सारा पानी निकल गया, फिर इसे एक बार और अच्छे से निचोड़ के आपको एक प्लेट में रखना है। फिर 4 से 5 आलू बॉईल करने हैं, उन्हें छीलना है, उन्हें कद्दूकस करके फिर आपको बथुए, जो हमने बथुए का जो उबाला हुआ पेस्ट तैयार किया था उसमें हमने आलू को इस तरीके से मिक्स करना है। ये देखिए, ये ऐसे करके हमें बथुए और आलू को अच्छे से एक मिक्स करके इसका एक पेस्ट तैयार करना है, जिसमें हम नमक ऐड करेंगे। देखिए, हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे इस तरीके से। बहुत टेस्टी पराठे बनते हैं और गरम गरम अगर खाओ इसे, और या चटनी के साथ, अचार के साथ, चाय के साथ, दही के साथ, आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो। खाने में बहुत ही टेस्ट लगते हैं, गरम गरम खाएंगे और इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल अलग, इसका मतलब खाने में बिल्कुल अलग टेस्ट आता है। और हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च भी डालेंगे इस तरीके से। देखिए, काफ़ी गर्म होता है बथुआ खाने में, आजकल सर्दियों में बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो इस तरीके से हमने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। दोनों चीज़ उबाली गई है, दोनों चीज़ को उबाल के अच्छे से निचोड़ के आलू को कद्दूकस करके और बथुए को, बथुआ तो उबाल के वैसे भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, तो उसका अच्छे से पानी वानी निकाल के उसका पेस्ट तैयार किया। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब और लाइक्स करेंगे तो हमें भी और मज़ा आएगा आप लोगों के साथ अपनी हर तरह की डिश को शेयर करने में, और उतना ही ज़्यादा हमें भी बहुत मज़ा आएगा आप लोगों के साथ अपनी तरह तरह की डिश को शेयर करने में। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स कीजिए। अब ये देखिए, हमने एक लोई बनाई, लोई के बाद हम इसे हल्के हाथों से बेल, ये देखिए इस तरीके से हमने लोई बनाई। उसमें हमने जितनी लोई होगी उतना ही हमने उसमें पेस्ट डाला है, और इस तरीके से हम इसको बंद कर देंगे। ये देखिए, आटा बिल्कुल हल्का, हमने आटा गूंदा हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट आटा गूंदना है, ज़्यादा टाइट आटा नहीं गूंदना है। सॉफ्ट आटे में ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी अच्छे से बेलता भी है और जो हमारा पेस्ट है वो रोटियों पराठों के अंदर अच्छे से फैल जाता है। देखिए इस तरीके से भर के, अब हल्के हल्के हाथों से हमें इसे बेलना है। देखिए, हमने इसको अच्छे से बेल दिया, हमारा जो बथुआ है अंदर से पेस्ट है वो अच्छे से रोटी में फैल गया है। अब हम इसको सेकने के लिए हमने तवे पे डाल दिया है। तो ये देखिए गाइस, इस तरीके से सिक गया है ये। अब हम इसमें हल्का हल्का तेल लगाएंगे चारों तरफ से ताकि इसके कोने अच्छे से सिक जाएं। देखिए, इस तरीके से
कितना सुंदर सिखा है ना, एकदम गोल और एकदम अच्छे से सेकोगे तो क्रंची बनेगा, खाने में और भी टेस्टी लगेगा। देखिए कितना सुंदर पराठा बना है, देखिए एकदम फूला फूला पराठा है। तो देखिए दोस्तों, हम आपके लिए आप लोगों के लिए तरह तरह की डिश लाते हैं, जो हम जो जितना मतलब हम लोग जानते हैं बनाना, हम लोग जो घर में ट्राई करते रहते हैं, बनाते रहते हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आप लोगों का भी बनता है कि एक सब्सक्राइब एक लाइक तो होना ही चाहिए। देखिए हमारा पराठा, हमारा गर्मा गर्म पराठा बनके बिल्कुल तैयार है। ये देखिए इसको हम अचार दो मिर्च, आप इसको चटनी के साथ या मिर्च के अचार के साथ, आम के अचार के साथ, जो भी आपके घर में अवेलेबल है किसी भी अचार के साथ आप इसके साथ इसको खा सकते हो। देखिए ये हमने बनाई चटनी और ये हमारा पराठा, गर्मा गर्म पराठा, बथुए का और आलू का मिक्स गर्मा गर्म पराठा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई डिश के साथ, आप सबके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।